बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमान। आज हम अपने किचन में आपको सिखाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल रेसिपी पकौड़ा करी। तो आइए देखते हैं पकौड़ा करी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, लार्ज साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने दो उतारा लिया है। इस आटा जो है वो मैं चने में यूज करूँगी और आटा जो है वो मैं चने के लिए इस्तेमाल दो मीडियम साइज की सब्ज मिर्च डालने से इसमें सबसे पहले हांडी में लस्सी डालने से जो चाटी की लस्सी है हमारे साथ 1.5 लीटर जो मैंने छान के बोतल में रखी हुई थी। एक मीडियम साइज का इसमें टमाटर डालेगा, वन टेबल स्पून सुरख मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा और 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। ये भी इसमें डाल दें हमें। चार टेबल स्पून तकरीबन बेसन है वो इसमें जाएगा जिसको मैंने छान लिया। वन टेबल स्पून क्रश लिया हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून जो है वो लहसुन है और 1 टीस्पून जो है वो अदरक का जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 2 से 3 हाफ लीटर तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो है वो पानी डाल देंगे। अब इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और 1 से 1.5 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आने तक हमने इसको हलाते रहना है ताकि बेसन जो है वो नीचे लगे ना। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसे 1 से 1.5 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक बॉयल नहीं आता वक्त उसे हलाते रहना। ये जो है वो 2 तरीकों से बनाई जाती है, एक ये स्टाइल है बनाने का और एक दूसरा स्टाइल भी है वो भी कभी इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूँगी, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरह बनाई जाती है। जो तो दूसरा स्टाइल है वो मसाला भूनूंगा पहले तो फिर बनाते हैं। जैसे कभी तो बॉयल आना शुरू हो गया अब हम इसे 1 से 1.5 घंटा जो है मैंने एक लार्ज प्याज लिया था जो मैंने एक हाफ जो है वो मैंने कड़ी में डाल दी है और हाफ मैंने फ्रोनो में डाल दी। 1 से 2 3 सब मिर्चें लेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आलू नहीं है मैंने जिनको मैंने छील कर धो लिया, कटिंग करने के लिए 1 प्याली भर के मैंने बेसन लिया। जिसको मैंने छान लिया 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया जाएगा, 1 टीस्पून जीरा जाएगा, 1 टीस्पून ही
सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, रेड मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून सूखा मेथी जाएगी, 1 इंच जो है 1 टुकड़ी जो है वो उसमें मीठे सोडे डाल देंगे, ऐड करेंगे। वो तो थोड़ी में डालने हैं इसलिए इनका बैटर जो है वो ज़रा सा पतला बनाया जाएगा। आमतौर पर जो पकौड़े खाए जाते हैं वो ज़रा नरम होते हैं, हमने थोड़ी में डालने हैं इसलिए इनका बैटर जो है वो ज़रा सा पतला बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हम पकौड़े फ्राई कर लेंगे। फुल गर्म हो जाए तो फिर इसमें पकौड़े डालेंगे और फिर आँच जो है मीडियम टू स्लो कर देंगे और थोड़े फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ बड़ी हमारी जो है वो पक रही है। जो जिम्मेदार से हमारे पकौड़े जो हैं वो तैयार हैं। कढ़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर जीरे का तड़का लगाएंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। इसे अब हम कढ़ी में डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के साबुत सबुत धनिया डालेंगे। मज़ेदार सी हमारी पकौड़ा थोड़ी तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए जी मज़ेदार सी हमारी कढ़ी पकौड़ा जो है वो बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ना दबाना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।